राम राम जी, विकास लोहिया लोहमोर गुजर बोल रहा हूँ। जिस इलाके में धौला गुजरी जैसी वीर महिलाएं रहती हों, वहाँ के पुरुष मुझसे सहायता मांगे यह ठीक नहीं लगता। यह बात भारत की वीरांगना गुजर वीरांगना धौला गुजरी के लिए कही गई। और यह बात किसने कही जी? यह बात कही भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री प्रथम गृह मंत्री लोह पुरुष श्री वल्लभ भाई पटेल जी ने। हाँ जी, आज हम बात करेंगे धौला गुजरी जी की। धौला गुजरी एक ऐसी हिंदू वीरांगना थी जिन्होंने मुस्लिम दंगों में कमजोर पड़ रहे हिंदुओं में एक नए साहस को भर दिया और वह खुद भाला लेकर मुस्लिम आक्रमणकारियों पर हमलावरों पर टूट पड़ी थी। इस दंगे में धौला गुजरी के कंधे में गोली लगने से वह घायल हो गई थी, लेकिन अपने अदम्य साहस और पराक्रम के कारण उन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारियों को भागने पर मजबूर कर दिया था। धौला गुजरी देवर के पास रायपुर गांव में रहने वाली थी, जिनकी लंबाई लगभग 6 फीट थी। धौला गुजरी जी का विवाह गुलावंद गांव के बुंठा छावड़ी गुजर से हुआ था। 1947 में हिंदुस्तान का एक नया इतिहास लिखा गया था, जिसमें हिंदुस्तान ने अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी, लेकिन 1947 में ही भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ था। इस बंटवारे के कारण भारत के अनेक हिस्सों में हिंदू मुसलमान दंगे हो गए थे। बंटवारे से पूर्व भी भारत पाकिस्तान के विभाजन के लिए अनेक जगहों पर हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। 1947 के ज्येष्ठ दशहरा के अगले दिन एकादशी को पलवल से पूर्व की दिशा में गुलावंद नाम के गांव में एक भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने योजना बनाकर गुलावंद गांव में आक्रमण कर दिया था। इस दंगे में पत्थर लाठियां तथा बलम्बों के अतिरिक्त बंदूकों का भी उपयोग किया गया। इस दंगे में हिंदुओं की संख्या मुसलमानों की संख्या से कुछ अधिक तो थी, लेकिन उनके पास हथियार नहीं थे। वे मुसलमान पहले से ही योजना बनाकर आए थे, जिससे उनके पास हथियार थे और बंदूकों की संख्या भी अधिक थी। इस दंगे में मुसलमानों के पास हथियार होने के कारण मुसलमान हावी होने लगे। पास ही एक कुएं पे धौला गुजरी जी पानी भरने आई थी। इस दंगे को देखकर वह पानी भरकर घायल हिंदुओं को पिलाने लगी। जिस स्थान पर धौला गुजरी पानी लाकर हिंदुओं को पिला रही थी, उस स्थान पर कुछ आक्रमणकारी मुस्लिम आक्रमणकारी आकर छिप गए। हिंदुओं को मैदान छोड़ते देख वीरांगना धौला गुजरी रोष से भर गई और स्वयं मकान की छत पर चढ़कर ऊपर से मुस्लिम बंदूककारियों के सरदार का लक्ष्य करके इतना तेज ईट से प्रहार किया कि सीधे मुस्लिम सरदार के सीने में लगी और वह वहीं धराशायी हो गया और मर गया। सरदार के मरने से अन्य मुस्लिम हमलावरों में भगदड़ सी मच गई। धौला गुजरी की इस वीरता साहस और पराक्रम को युवा हिंदुओं ने देखा और उनमें हिम्मत का संचार हुआ और युवा हिंदू सारे मुस्लिम आक्रमणकारियों पर टूट पड़े और मुस्लिम आक्रमणकारी वहां से भाग गए और गांव की रक्षा हुई। जी हाँ, ऐसी थी भारत की वीरांगना गुजर वीरांगना धौला गुजरी। जय माँ धौला गुजरी, जय भारत देश की। अब मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। राम राम।